ठीक है, सॉलिड। तो क्या इसका मतलब ये हम लोग समझे कि सारे के सारे सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? इज इट ट्रू स्टेटमेंट? क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं? नहीं, कौन सा सॉलिड, ऐसा कोई सॉलिड बताइए जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता हो। कौन सा रौनक बताइए, ऐसा एक सॉलिड का एग्जांपल दीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। स्टोन, ओके, और कोई? अभिनव का कहना है स्टोन। सर वुड। वुड, वेरी गुड। हाँ चलिए, तो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि हर साल जितने भी सॉलिड हैं वो सब के सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। सर आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड, आयन किसको बोलते हैं? आयन आप लोगों को पता है? I didn't get it. क्या आयरन ना? सर आयरन और आयन। आपने क्या बोला, आयरन? यस सर। ओके, एक्चुअली आयन नाम का भी एक चीज होता है, आई ओ एन। ऐसा कभी देखे हो क्या, सोडियम प्लस? सोडियम जानते हो? सोडियम, यस सर। या हाइड्रोजन प्लस, इस तरह का कुछ देखे हो केमिस्ट्री में? देखे होगे, यस सर, फॉर्मूलाज में। हाँ, तो ये जो एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आता है ना, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ गया, सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया, सिमिलरली पोटेशियम के ऊपर चार्ज आ सकता है, तो ये जो एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आते हैं इनको हम लोग बोलते हैं आयन। तो बेसिकली ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी करेंट को कैरीज करते हैं। यही चीज अपन लोग पढ़ेंगे अभी लिक्विड के अंदर में। सो अभी तक के डिस्कशन से हमें ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसके बेसिस पर मटेरियल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, वो था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अच्छा, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल कौन बताएगा? कंप्यूटर के मतलब बोल। कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या एग्जांपल बताना है, लिखवाया था ना? नहीं याद है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, हाँ मेटलॉइड्स, हाँ मेटलॉइड्स में ही आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को पार्शियली अलाउ करते हैं एंड फुली अलाउड नहीं करते जैसे कि मेटल करते हैं, तो थोड़ा सा ये अलाउ करते हैं, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसके लिए देखिए कुछ एक्टिविटीज आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है, लाइक 14.2 है, जहाँ पर आपको इंसुलेटर को चेक करना है। तो इनका अरेंजमेंट अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए ये है एक बैटरी, ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड बैटरी, और ये है बल्ब, ये बल्ब का सिंबल है। तो बैटरी से एक वायर देखिए यहाँ पर ला करके मर्ज किया गया है लिक्विड में, और उसमें ही एक दूसरा वायर से बल्ब को कनेक्ट किया गया है। अगर ये लिक्विड करेंट फ्लो को अलाउ करेगा तो ये बल्ब जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमने एक बैटरी बनाया, ऐसा एक बैटरी बनाया और बैटरी के वन एंड को एक लकड़ी से कनेक्ट कर दिया, दिस इज वुड, और इसके दूसरे एंड को बल्ब से कनेक्ट कर दिया, क्या ये बल्ब जलेगा? No, sir. क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये इंसुलेटर है। Because wood is not a conductor. Not a conductor. That's why ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इसके आधार पर ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो कंडक्टर है या नहीं है, है ना? तो क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सॉलिड सारे के सारे अगर कंडक्टर नहीं होते हैं तो क्या लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? What will be your answer? क्या लिक्विड कंडक्ट करते हैं? तो आंसर है इसका यस, करते हैं। अच्छा आप बताइए, सॉरी, क्या H2O इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? तो क्या
क्या H2O, H2O किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोजन का, वाटर। हाइड्रोजन का पागल मारेंगे पकड़ पकड़ के। H2O किसका केमिकल फॉर्मूला है? वाटर का है। तो ऑब्वियसली क्या वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? यस सर, पार्शियली। पार्शियली कितने लोग बोलते हैं यस? ये अभी पता चला कि वाटर इज नॉट अ कंडक्टर। देन पानी, पानी में अगर हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं, पानी में अगर करंट को डालते हैं तो हमें शॉक लगता है। आप बोल रहे हो कि वो बोलते हैं ना कि इसे भीगे कपड़े से या भीगे हाथों से स्विच को ऑन ऑफ ना करें, इससे झटका लगता है करंट का। इसका मतलब तो पानी कंडक्ट करना चाहिए ना। तो इसका देखिए, इसका आंसर ये है कि प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर ये कंडक्ट नहीं करता है। प्योर वाटर ये बैड कंडक्टर है, ये कंडक्ट नहीं करता है। तो कंडक्ट होता क्यों है? दैट इज ड्यू टू द मिनरल्स प्रेजेंट इन वाटर। अच्छा, क्या हम लोग प्योर वाटर पी सकते हैं? नो सर। नो सर। सपोज प्योर वाटर एग्जांपल वो डिस्टिल वाटर जो कि हम लोग पी सकते हैं। हाँ, इसका मतलब हमें पीने के लिए डिस्टिल वाटर नहीं चाहिए, उसके में कुछ मिले हुए मिनरल्स भी चाहिए, सॉल्ट्स भी चाहिए। तो ये जो मिनरल्स होते हैं, जो सॉल्ट होता है, यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, करेक्ट? अब yes, हमारे घरों में जो आरओ आता है, आरओ, आरओ का जो पानी पीते हैं ना हम लोग, तुम लोग भी पीते होगे। कैन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू चेक वेदर द मिनरल्स आर प्रेजेंट इन आरओ वाटर और नॉट? आरओ क्या करता है? हमारे पानी को प्यूरिफाई करता है, क्लीन करता है, साफ करता है। सो कहीं आरओ इतना तो क्लीन नहीं कर दे रहा है कि उससे पूरे के पूरे मिनरल्स ही गए हो जाए। तो क्या अगर मिनरल्स गायब हो जाएंगे तो वो पानी पीने से कोई फायदा है या पीने लायक है? नो सर। सर वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, क्या आरओ का पानी हमारे पीने लायक है? ये आप लोग कंडक्ट कर सकते हो घर पे भी। क्या करेंगे? एक बैटरी लेंगे, बैटरी, यू नो, बैटरी होगा ना सबके घर में। यस सर। छोटा सा कोई बैटरी ले लीजिए, किसी का बाइक से निकला हुआ होगा तो, या एक छोटा सा बैटरी होगा ही घर में। अगर नहीं भी होगा तो पेंसिल बैटरी होगा टॉर्च जलाने के लिए। तो बैटरी के वन एंड से आपका, मान लीजिए कि बैटरी का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं बैटरी। ये बैटरी ऐसे बनता है। हाँ, तो बैटरी से एक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा एक बीकर में, है ना। कुछ बीकर ले लीजिए या बोल सकते यूटेंसिल्स कोई भी, जिसके अंदर आरओ का पानी भरा होगा। और दूसरा वायर डिप करके यहाँ से एक एलईडी आता है, एक या दो रुपए का आता है ना, तो एलईडी। हाँ, वेरी गुड, पता तो है तुम लोगों को। ये हो गया एलईडी, और एलईडी के दोनों एंड से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। अब जैसे ही, अच्छा एक स्विच भी चाहिए अपने को। तो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से स्विच ऑन हुआ, करंट फ्लो होगा और इस लिक्विड में करंट आएगा। अब अगर ये लिक्विड
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट फ्लो कर जाएगा, करेक्ट, और ये करंट फिर इस वायर से होते हुए एलईडी को ग्लो कर देगा। अगर ये आरओ का पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, आपका आरओ ठीक है, आप पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है देन इट विल बी डेंजरस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें वाटर से मिलते हैं, और फिर अगर ये वाटर से नहीं मिले, ये मिनरल्स आपको प्योरीफाइड होकर के आ रहे हैं, तो यू मे सफर अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ डिजीज, बहुत सारे टाइप का डिजीज हो सकते हैं, डिफिशियंसी हो जाता है। चलिए, सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ था कि क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर होगा यस, लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर कौन होता है, क्या इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो इसका आंसर है नो। लिक्विड के अंदर जो हमारा करंट को कैरी करता है वो होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आयंस, क्या बोलते हैं, आयंस, आई ओ एन एस, ये आयंस ही होते हैं लिक्विड के अंदर जो करंट को वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली वैसे लिक्विड करंट को कैरी कर पाते हैं या फ्लो करा पाते हैं जो एसिड सॉल्यूशन होंगे, एसिड सॉल्यूशन, सेकंड बेसिक सॉल्यूशन, और इफ साल्ट आर present in liquid। अब इसमें से कौन कौन सा टर्म्स आप लोग नहीं जानते हैं? एसिड पता है, एसिड जानते हो, एसिड लो सो गए सब। हाँ अभिनव, एसिड क्या होता है, किसी को नहीं पता? देखो एसिड जैसे जो लेमन का जो जूस होता है वो एक काइंड ऑफ एसिड होता है ना, तो हाँ HCl एक तरह से एसिड है, HCl और H2SO4 ये सब के सब क्या है, एसिड है। बेस किसको बोलते हैं, जिसके लास्ट में OH आए उसको हम लोग बेस बोलते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, और क्या हो सकता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कौन सा हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। तो आइदर एसिडिक हो या बेसिक हो तो उसमें अगर हम लोग करंट को फ्लो कराना चाहें तो वो अलाउ करते हैं करंट को फ्लो कराना, तो ये हमेशा याद रखिएगा, लिक्विड करंट को फ्लो करने देता है, उसमें से स्पेशल काइंड ऑफ लिक्विड ही फ्लो करने देता है, कौन सा, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, यही दो तरह का इसमें फ्लो पॉसिबल है, ठीक है। सबको क्लियर है या किसी को डाउट है इसमें? ओके ठीक है, सो ये यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी ये पार्ट जो लिखा हुआ है, दैट एक्सप्लेन्स द एक्सपेरिमेंट, जो आप ऊपर के एक्सपेरिमेंट जो किए हो उसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर लेमन जूस का इस्तेमाल किए हैं, तो बताइए लेमन जूस एसिडिक होता है ना? यस सर। साइट्रिक एसिड, yes, तो ये एसिड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी yes, को कंडक्ट करेगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट आते हैं। इसमें आपको देखिए ये दिया हुआ है एलईडी, ये एलईडी दिख रहा है। अच्छा एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, पता है किसी को एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर लाइट इमिटिंग डायोड, डायोड
लाइट इमिटिंग डायोड, ये सबको पता है। अच्छा ये भी तो आप लोग पढ़े होंगे ना, एलसीडी तो सब लोग देखते हैं घर पे, तो सबके पास एलसीडी रहता है, होता है ना टीवी। यस सर। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यस सर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये याद है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। चलिए तो ये हो गया आपके एलईडी, और इसमें बोल रहा है, इसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो इसके जो लॉन्गर टाइप्स है, लॉन्गर जो पार्ट है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना चाहिए, और जो ये वाला छोटा पार्ट है इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ना चाहिए, है ना, तभी जा करके ये जो एलईडी है ये ग्लो करता है, अदरवाइज ये ग्लो नहीं करेगा। जब भी देखिए बैटरी जब बना होता है ना, तो एक टर्मिनल बड़ा बनाया जाता है, एक टर्मिनल छोटा बनाया जाता है। जो बड़ा टर्मिनल है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, और जो छोटा टर्मिनल है इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव। चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना चाहता है, तो हाँ कराना चाहता है। कौन सा वो सोल्यूशन होता है, तो एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन ही करेंट को फ्लो कराने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी भी करेंट को अगर लिक्विड से पास कराया जाए, तो उस लिक्विड में क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ करेंट, कुछ आइडिया है? सर मे यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? हाँ सर रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन से करेंट को पास कराते हैं, फ्लो कराते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द सॉल्यूशन, किस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? नो आइडिया? यस सो नो आइडिया। नो आइडिया। सो सॉल्यूशन में अगर हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं, आप लोगों को पता है कि जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है, होता है ना? यस सो। सो जब भी किसी लिक्विड में अगर करंट को फ्लो कराएंगे तो उसमें हीट जनरेट होगा, तो सबसे पहले तो उसका टेम्परेचर, उसके बाद सेकेंड पार्ट ये होता है इसमें कि अगर लिक्विड से करंट को फ्लो कराया जाएगा तो हो सकता है कि उसमें से कुछ गैसेस इवॉल्व हो। सो पॉइंट नंबर टू ये नोट करते जाइए, इफेक्ट ऑफ करंट थ्रू अ सॉल्यूशन। सबके पास पेन कॉपी है? यस सर। सो क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट पासेस थ्रू सॉल्यूशन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट पास थ्रू अ सॉल्यूशन। हो गया? यस सर। सो इसका फर्स्ट आंसर होगा, लिखिए फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स व्हेन इट पास थ्रू सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन विल राइज। सॉल्यूशन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन विल राइज। Done, sir. Next point है, some kind of gases may evolve from the solution. Some kind of gases may evolve from the solution. हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, द सॉल्यूशन मे बी कलर ऑफ सॉल्यूशन मे बी चेंज्ड। जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर हो सकता है कि चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? हो गया? डन सर। ओके, और क्या पॉसिबिलिटीज है?
जो क्या बोल सकते हैं, ये तुम लोग केमिस्ट्री में कुछ पढ़े हो, एलिमेंट्स वगैरह कुछ जानते हो? जैसे H2SO4 में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, पता है कुछ? ओके, नो, लीव इट। सो इतने तीन तरह का आप लोग याद रखिएगा, इतने तरह का इफेक्ट पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दिस विल बी आवर न्यू पॉइंट। सो जब भी करंट फ्लो करता है अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक कहने का मतलब जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आयरन, आयरन को अगर किसी भी मैग्नेट के पास लेकर के जाओगे तो वो मैग्नेट उस आयरन को खींच लेता है, लेकिन अगर आप एल्युमिनियम को लेकर के जाओगे तो वो मैग्नेट एल्युमिनियम को नहीं खींच पाता है। तो वैसे मटेरियल जिसको मैग्नेट खींच पाता है उसको करंट कैरिंग कंडक्टर भी खींच लेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर रिपीट प्लीज। इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो वहां पे अगर आयरन रखेंगे हम लोग तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। जी हाँ बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेगा, इसीलिए देखे होगे कि कभी भी रेलवे लाइन पर जाओगे तो लिखा रहता है ऐसा, बंगाली बाबा का फोटो लिखा रहता है ना, ऐसा बना रहता है डेंजर साइन, ऐसा बाबा जी तुमको देखेंगे, देखे हो ऐसा? या ट्रांसफार्मर के पास जाओगे तो ऐसा दिखेगा, एक हड्डी ऐसा बना रहता है। सर लिखता है डेंजर 440 वॉट। हाँ तो वो क्यों लिखा रहता है? मत छुए कोई कि उसके आसपास भी जाना नहीं रहता है, ये डेंजर होता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो इसके आसपास के एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में अगर आप पहुंच जाते हैं तो हमारे ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना हमारे ब्लड में, Yes, sir. जिसके कारण हमारा ब्लड का रंग क्या होता है, रेड होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। सो आयरन क्या हो जाते हैं, वो अट्रैक्ट होने लगते हैं इस वायर के तरफ, ये आयरन उस ब्लड को खींचना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए देखो जलने के बाद लोग क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो ये क्या करता है, जितना भी उसमें का आयरन होता है ना सब खींच लेता है अपने अंदर। इसलिए लिखा जाता है कि जहां पर भी हाई वोल्टेज का करंट है वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब बोलोगे सर 220 वोल्ट में क्यों नहीं होता है, उसमें भी होता है पर उतना नहीं होता है जिससे कि हमें फील कर सके, आई बात समझ में, होता उसमें भी है, ठीक है? Yes, sir. जब भी करंट फ्लो करेगा वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और वो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, कौन से मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसको बोलते हैं जो मैग्नेट के द्वारा खींचा जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेता है। उसके लिए देखिए ये एक आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए शो किया गया है, यू कैन परफॉर्म एट योर होम, बट स्टिल इसमें कॉशन चाहिए। इसके लिए आपको जो बैटरी इस्तेमाल करना होगा ये लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना है, छोटा सा बैटरी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका कनेक्शन कैसा है, देखो ये एक माचिस का डब्बा इसने बनाया है, माचिस का डब्बा होता है ना, ये है एक माचिस का डब्बा, और माचिस के डब्बा पे चारों तरफ से देखो ये वायर को रैप कर दिया ऐसा, जैसा कि आप फिगर में दिख रहे हो, ये दिख रहे हो ना ये वाला वायर को रैप किया है। अच्छा ये वायर कौन सा लेना है अपने को, ये पता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड तार वार में जब निकालते थे एकदम पतला पतला धागा रहता है वही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे पंखा का कॉइल वगैरह में देखोगे ना तो ये लगा रहता है इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये वही वायर है, ठीक है? तो उसमें से ही वायर आपको लेना पड़ेगा।
उसका आप जो डायमीटर है लगभग आप 0.5 mm टू 0.5 mm से लेकर के 1 mm तक आप ले सकते हो, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, माचिस के डब्बे पर इसको रैप कर देंगे और इसके अंदर देखिए आपको एक कंपास दिख रहा है, दिख रहा है क्या कंपास, ये वाला पोर्शन में देखो माचिस के डब्बा के अंदर एक कंपास रखा गया है। यस सर। तो नॉर्मली ये कंपास क्या करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी भी टाइम पर, जब तक हम लोग करंट को फ्लो नहीं कराते हैं तब तक। जैसे ही हम लोग इसको करंट फ्लो कराएंगे इस सर्किट में, जैसे ही इस सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो इधर से चल गया, तो ये जो कंपास है कंपास डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि पहले कंपास कुछ ऐसा था और इसका पॉइंटर कुछ इधर इस डायरेक्शन में था ऐसे, जैसे ही मैंने करंट फ्लो कराया इधर इस डायरेक्शन में, तो ये कंपास या तो इधर मूव कर जाएगा या तो ये इधर मूव कर जाएगा, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के वजह से इन्वेंशन भी हुआ था, खोज भी हुआ था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो फादर थे वो थे ओरस्टेड, साइंटिस्ट का नाम था ओरस्टेड। बेसिकली वो ऐसा कुछ रिसर्च नहीं कर रहे थे जहां पर वो करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करे, ऐसा उनका कोई मकसद नहीं था। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, बाई एक्सीडेंट उन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया था कि ये जो करंट है करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। हुआ क्या था, वो एक वायर लिए थे जिसके थ्रू वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और जिस टेबल पे वो वायर रखा हुआ था उसके बगल में ही एक कंपास रखा हुआ था, है ना। तो जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया, जब करंट फ्लो किया उस वायर से, तो कंपास डिफ्लेक्ट किया, तो अचानक से उनकी नजर पड़ी उस कंपास पे, तो फिर वो सोचने लगे कि आखिर ये कंपास हिला क्यों। वंस अगेन उन्होंने स्विच ऑफ किया और फिर से स्विच ऑन किया, तो देखा कि अरे वाह ये तो फिर से डिफ्लेक्ट किया। ओके, फिर उन्होंने कंपास को हटाया और मैग्नेट लेकर के आया, एंड ही परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन दिस, एंड ही गॉट एन रिजल्ट कि जब भी हम लोग किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड उस करंट के आसपास क्रिएट हो जाएगा, और यही कारण है जिससे कि हम लोग इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम सुने हो? यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बना पाते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूजेज आप लोग पता है? नो सर। नहीं पता है। क्रेन जानते हो? क्रेन। यस सर, जब कार एक्सीडेंट होता है तो उठाने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब कार वगैरह एक्सीडेंट कर जाते हैं तो वहां से वो आता है क्रेन उठाने के लिए। तो वैसे ही जो बहुत बड़े बड़े स्क्रैप यार्ड होते हैं, स्क्रैप यार्ड मतलब जहां पर कचरा फेंका जाता है, जैसे लोहों का पूरा ऐसा आयरन का कचरा फेंका गया है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसा देखो ऐसा क्रेन का एक स्ट्रक्चर होगा, क्रेन बना होगा, क्रेन कुछ ऐसा होता है ना, मान लो कि क्रेन कुछ ऐसा हो गया, ये बीच में इसमें ऐसा क्रॉस क्रॉस किए रहते हैं, और इसके अंदर एक ऐसा वायर रहेगा, और यहाँ पर ऐसा एक सर्कुलर ऐसा बना देते हैं ये लोग, है ना। और ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, स्विच ऑन करता है, तो ये क्या बन जाता है, मैग्नेट। और इसके नीचे अगर कोई लोहे का ऐसा पाइल्स रखा हुआ है, कोई छोटे 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 ऐसे बहुत सारे आइटम्स रखेंगे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट इस लोहे को अपने तरफ खींच लेगा, और ये सारे के सारा लोहा जाकर के क्या करेंगे, इस मैग्नेट में जाकर के चिपक जाएंगे। ठीक है, फिर वो क्रेन वहां से लिफ्ट अप करेगा और दूसरे जगह जाएगा और पावर ऑफ कर देगा, मतलब करंट फ्लो को बंद कर देगा, तो सारा का लोहा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। करेक्ट। सो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। बुलेट ट्रेन पता है? बुलेट ट्रेन। यस सर। अभी सुना होगा तुम लोग, इंडिया में बुलेट ट्रेन आने वाले, तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके ही बुलेट ट्रेन को
चलती है ना, उड चलती तो है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो पटरी के ऊपर कब चलेगा? देखो जब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के पास आता है तो क्या हो जाता है, रिपेल करता है। तो सिमिलरली अगर हम लोग पटरी में करंट फ्लो करा दे तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा। और एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट को रिपेल करेगा तो वो बुलेट ट्रेन क्या हो जाएगी, नीचे से थोड़ा ऊपर उठ जाएगी। सही है ना? यस सर। उसको इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना देंगे कि वो पूरे बुलेट ट्रेन को उठा सके ऊपर की तरफ, एंड देन उसमें थोड़ा सा हम लोग पुश देंगे सामने की तरफ, जैसे कि एरोप्लेन में क्या हम लोग धक्का लगाते हैं? नहीं, उसके जो विंग्स होते हैं वही सामने की तरफ पुश करते हैं। तो वैसे ही बुलेट ट्रेन में भी उसको पुश किया जाता है तो बुलेट ट्रेन आगे की तरफ मूव करती है, क्योंकि अब ये जो हमारा पटरी होता है, जो रेल होता है, उसके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं होता है तो हमारा जो लॉस होता है फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो ये ट्रेन काफी स्पीड में आगे बढ़ती है। ठीक है, उसको रोकना भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही इस्तेमाल करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा सबको। यस सर। आप सभी के पास एनसीईआरटी है? यस सर। सो यस रौनक, इलेक्ट्रिक बेल्स में भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग स्विच दबाते हैं तो बेल बजने लगता है, वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम लोग करंट सप्लाई करते हैं, देखो जैसे ये वायर हो गया एक, यहाँ पर जैसे कि ये एक वायर हो गया हा? और ये हो गया एक ऐसा बेल, तो ये क्या करेगा, इस बेल के साथ एक कनेक्ट कर दीजिए स्प्रिंग, इधर ऐसा छोटा सा स्प्रिंग कनेक्ट कर दीजिए। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, ये इस लोहे को खींच लेगा अपने तरफ, तो ये जाएगा और इस बेल पर स्ट्राइक करेगा तो बाजेगा टन। फिर जैसे ही ये इधर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स इसको पीछे की तरफ खींच लेगा तो फिर ये पीछे आ जाएगा, फिर इसको करंट खींचेगा। ऐसे ही ये अपने पोजीशन पर ये जो बेल होता है ये स्विंग करने लगता है, जस्ट लाइक पेंडुलम। तो जब स्विंग करेगा तो ये क्या करेगा, लगने लगता है क्रर, ऐसा कुछ आता है ना लाइक दैट। सर वो गाना वाला कैसे बजता है, जैसे उसमें बेल बजाओ तो कभी मंत्र आने लगता है, कुछ आने लगता है? वो तो अब मंत्र आने वाला तो स्पीकर लग गया ना उसमें, लेकिन पहले का याद करो, जब पहले वाला जो बेल होता था उसमें मंत्र जब नहीं बजता था तो पहले टन टन बजता था ना, क्रर ऐसा आवाज आता था, ट्रर। नहीं देखे हो तुम लोग तो नए जमाने के इंसान हो ना, अब तो स्पीकर है, स्पीकर आपने स्विच ऑन किया तो टेप बजने लगा, दैट्स इट। हाँ स्कूल में तो बेल्स होते हैं ना, तो स्कूल में तो अभी कैसा है, स्विच वाला ही है या फिर हाथ से बजाते हैं, कैसे करते हैं? अगर हाथ से बजाते होंगे तो बाय हैंड, हाथ से बजाते हैं ना? यस सर। किसी किसी स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल्स भी लगा होता है, तो जिसके स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल्स लगा होगा वो देख सकता है। चलिए तो ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा ये देखिए, आपके ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ये आपको एक टेबल दिया गया है जहां पर आपको लिखना है, चेक करना है कि क्या ये जो दिए गए हैं, ये जो मटेरियल का लिस्ट दिया गया है, क्या ये कंडक्टिव है या नहीं है। सो लेमटिव नहीं, ये तो दिया हुआ है। विनेगर बताइए होता है कि नहीं, विनेगर नाम सुने हो? यस सर, उसमें एसिटिक एसिड होता है। एसिड होता है तो ये भी कंडक्ट करेगा। टैप वाटर करेगा क्या? यस सर, ये भी करेगा क्योंकि इसमें मिनरल्स होता है। वेजिटेबल ऑयल? नो सर। सो ऑयल है ना, वो ऑयल है तो क्या? नो सर, वेजिटेबल ऑयल है नहीं। एक्चुअली मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, ऑयल का मुझे याद नहीं है, पर मुझे हिसाब से होना चाहिए, उसमें सॉल्ट होता है सर, पता नहीं, चेक करके बता दूंगा। मिल्क में? यस सर, होगा, इसमें मिनरल्स होते हैं, लैक्टिक एसिड भी होता है ना। अच्छा हनी में? हनी का आइडिया नहीं है मुझे भी। नो सर, नो सर, हनी पेट्रोल में शायद नहीं होना चाहिए, पेट्रोल में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, या आइडिया नहीं है, मैंने कभी कुछ किया नहीं इसके बारे में एक्सपेरिमेंट, तो तुम करो एक्सपेरिमेंट और बता देना मुझे।
छोटा सा एक सेटअप बनाइए आप लोग और फिर बताइए किस किस में होता है किस किस में नहीं होता है। वैसे ही आप लोग लिस्ट बना सकते हो, देखो ये इधर पूरा लिस्ट खाली है ना, इधर जितना आप लोग सोच सकते हो पेट्रोल में डीजल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा नहीं करेगा, आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना करके चेक करके मुझे सेंड कर दीजिए, हमें भी तो पता चले किस में करता है किस में नहीं करता है। करेंगे क्या? Sure, तो आप लोग कुछ जो कॉमन मटेरियल्स हैं जो आप सोच सकते हो उसका आप लिस्ट बनाइएगा और लिस्ट बना करके हमें सेंड करिएगा, यही आप लोगों का इस पर का होमवर्क रहेगा। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उन सब का ये डिटेल लिखा गया करेक्ट। डिस्टिल वाटर के बारे में देखिए एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया, तो डिस्टिल वाटर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, ये हम लोगों को पहले से ही पता है। तो देखिए व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब भी डिस्टिल वाटर में सॉल्ट मिलाए देंगे, सॉल्ट मतलब ये कॉमन सॉल्ट भी हो सकता है, जब भी आप कॉमन सॉल्ट मिलाओगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो ये है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये तो हमारा हो चुका है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या हो जाएगा कि जब भी हम लोग लिक्विड में डीप करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसमें से कुछ गैस इवॉल्व हो सकते हैं, है ना। तो दीज आर द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सो नेक्स्ट वन इज अबाउट द इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड क्या होता है? बैटरी कभी किसी ने खोल करके देखा है? नो सर, कभी नहीं। यस सर, खोले उसके अंदर कुछ लिक्विड रहता है, ब्लैक टाइप का सर, जिंक रहता है, जिंक रॉड। जिंक का तो प्लेट होता है, मैं बात कर रहा हूँ पेंसिल बैटरी का। पेंसिल बैटरी कभी खोल के देखे हो? नहीं देखे होगे। देखो जब पेंसिल बैटरी आप ओपन करोगे ना तो ये जैसा आपको लीड दिख रहा है ये वाला, ये पार्ट, ये वाला, ये दिख रहा है ऐसा एक ऐसे ही स्ट्रक्चर का आपको। देखो जब भी बैटरी में देखोगे तो एक बाहर की तरफ पिन निकला रहता है ऐसा छोटा सा व्हाइट कलर का, हाँ ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। और ये होता है किसी भी बैटरी के अंदर, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है द कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम द टू डिस्कार्डेड सेल क्लीन देयर मेटल कैप्स एंड सैंड पेपर रैप ऑन दिस। तो ये जो कार्बन का जो ये जो लीड होता है ना ये, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। सो इलेक्ट्रोड में क्या होता है, हम लोग वायर को कनेक्ट करते हैं, या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोड हाँ बस इसी काम के लिए होता है, बाकी और किसी काम के लिए तो कुछ खास नहीं है इसका। तो इलेक्ट्रोड क्या करता है, ये जो करंट फ्लो किया यहाँ से, ये जो यहाँ से आया तो ये क्या हो जाएगा, ये करंट को फ्लो कराएगा लिक्विड के अंदर, फिर लिक्विड क्या करेगा यहाँ से करंट इस इलेक्ट्रोड तक लेकर के जाएगा, और फिर इस इलेक्ट्रोड से होते हुए ये वंस अगेन बैटरी को इंड कर जाएगा। अच्छा बताइए ये इंड पर चार्ज कौन सा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा या निगेटिव? ये बड़ा वाला जो लाइन दिख रहा है ये क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव? पॉजिटिव। और ये जो साइड वाला दिख रहा है, और ये जो साइड वाला जो दिख रहा है छोटा वाला, निगेटिव। निगेटिव। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये निगेटिव होगा और ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दो तरह का इलेक्ट्रोड बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो कभी बैटरी पर ध्यान से देखना, उस पर जहाँ पॉजिटिव होगा ना वहां पर प्लस मार्क लिखा होगा, जहां पर निगेटिव होगा वहां पर निगेटिव मार्किंग किया हुआ होगा। आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा, बैटरी है ना घर में, इन्वर्टर वाला बैटरी तो होगा ही, सो उसमें आप ट्राई करिएगा, देखिएगा जो उसके जहां पर वायर को कनेक्ट किया जाता है वहां पर प्लस या माइनस का साइन बना हुआ होगा। ये दो तरह का इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं एनायन, हालांकि ये आपके काम का नहीं है पर नाम सुन लीजिए फिर कभी ना कभी तो काम आएगा, एनायन। और जो निगेटिव होता है उसको बोलते हैं कैटायन। तो बस नाम सुन लीजिए,
बाकी कुछ काम का नहीं है। तो ये हो गया आज का आपका लेक्चर हम लोगों का। अब आगे के लेक्चर में सिर्फ रह गया, हाँ, जो बैटरी में पानी डालते हैं वो कौन सा वाटर होता है, वो डिस्टिल वाटर होता है नहीं, और उसमें साल्ट मिला रहता है जनरली, वो उसको H2SO4 कह सकते हैं, डिस्टिल वाटर भी नहीं कहते हैं, डाइल्यूटेड H2SO4 होता है वो, ठीक है। चलिए तो एक बार इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट आप लोग रीडिंग दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही रह गया है, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा। तब तक आप लोग जो क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कहाँ है एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के बुक्स हैं आपके पास, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन 1, 2, 3, ये जो क्वेश्चन है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ओके, नेक्स्ट पार्ट इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नेक्स्ट क्लास में ये 1, 2, 8 क्वेश्चन आप लोग पढ़ के आइएगा, याद करके आइएगा, लिख के जरूर याद करिएगा, सिर्फ लिखना नहीं है, मैं पूछूंगा, ठीक है सर? 1, 2, 8 ओनली। हाँ 1, 2, 8 बस। जमा भी करना है? जमा कर दीजिएगा, हमें जमा करने से मतलब नहीं है, हमें याद करने से मतलब है, जमा इसलिए कराना है ताकि आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, और आप लोग क्या करते हो छाप के और बीस भेज देते हो गया तुम्हारा ड्यूटी खत्म, हमें उस ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आपको याद होनी चाहिए, तो जमा करेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो पूछूंगा, सामने सामने वाइवा होगा लाइव, फिर क्लियर चल जाएगा कि किसने किया किसने नहीं किया, जो नहीं बताएगा फिर मैं उसका कॉपी मांग लूंगा। चलिए ओके, तो मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं, कीप एंजॉयिंग, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, गुड ड्रीम, बाय।